हर एक ओर से एक ही आवाज है और वह है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव जिता करके भेजा था और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।